तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की फिल्म दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हुई या फिर हो चुकी है फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था। तो वहीं दोस्तों, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होने के लिए और कितनी कलेक्शन करनी होगी। तो दोस्तों, बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग भी राजवीर देओल को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगर बात करें फिल्म दोनों की, तो इस फिल्म में हमें राजवीर देओल के साथ पलोमा ढिल्लू, गरिमा अग्रवाल अहम किरदारों में नज़र आई हैं, और इन सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें इस मूवी में लाजवाब देखने को मिलती है। दोस्तों, इस फिल्म को अवनीश बरजतिया की डायरेक्शन में बनाया गया है, और अगर बात की जाए फिल्म के बजट की, तो दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ रुपये का था। लेकिन दोस्तों, फिल्म को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए सिनेमाघरों तक नहीं जा रही है। अगर देखा जाए तो इस फिल्म को बहुत ही कम रिस्पॉन्स मिल रहा है। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 8 लाख रुपए से ओपनिंग ली, जो कि समझिए तो एक बहुत ही कम शुरुआत थी एक 20 करोड़ के बजट वाली मूवी के लिए। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 10 लाख रुपए, और इस तरह दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले 5 दिनों के अंदर लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए की कलेक्शन कर दिखाई। तो वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फिल्म के 6वें और 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, 6ठे दिन फिल्म ने कमाए लगभग 10 लाख रुपए, और 7वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 8 लाख रुपए। अगर मैं बात करूं फिल्म के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 8वें दिन फिल्म ने कमाए लगभग 10 लाख रुपए, 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 8 लाख रुपए। और अगर मैं बात करूं फिल्म के 10वें दिन यानी आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फिल्म दोनों ने आज के दिन भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, आज सैटरडे है जिसकी वजह से फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला है, और फिल्म लगभग 11 लाख रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फिल्म दोनों के पहले 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये फिल्म अपने पहले 10 दिनों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपना बजट भी रिकवर करते हुए नजर नहीं आ सकती, लिहाजा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सुपर डिजास्टर और फ्लॉप मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में जाकर देखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस मूवी के ऊपर बाय वन गेट वन फ्री टिकट की भी सेल लग चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोग भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।